जनपद मथुरा में देहात के थाना शेरगढ़ क्षेत्र के गांव से ही में शनिवार रात पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार गांव का संजीव पुत्र गिरधारी लाल रात में पटाखे चला रहा था, जिसका विरोध उसके पड़ोसी डालू उर्फ गिरिराज ने किया। दोनों के बीच बहस हुई जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। डालू ने संजू के सिर पर कांच की बोतल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। संजू के घायल होने के बाद उसके तीनों पुत्रों ने डालू के परिवार पर हमला कर दिया, जिससे मामला और गर्मा गया। घटना में दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए डालू और उसके तीनों पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन संजू की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में संघर्ष की भयावहता स्पष्ट नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से दो पक्षों के बीच मारपीट की जा रही है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस प्रकार की घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन यह सबसे गंभीर थी। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक देहात त्रिगुण बिशेन का कहना है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच जारी है और अन्य शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। थाना शेरगढ़ क्षेत्र में कल दो पार्टियों में पटाखे जलाने को लेकर के विवाद हो गया था, सही गांव में, और वहां पर आपस में मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तत्कालीन मुकदमा कायम किया जा रहा है और इसमें शीघ्र ही सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधि का